जज्बात का समंदर भी हार खड़ा होता है, दिल में वतन लिए जब सीमा पर जवान खड़ा होता है। सोमवार का दिन भारतवासियों के लिए एक बुरा दिन रहा। सोमवार को चीन ने LAC पर एक कायराना हरकत की, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि शहीद सैनिकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। चीन द्वारा की गई इस हरकत से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया है। खेल जगत की कई हस्तियों ने चीन द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत पर दुख जताते हुए अपना गुस्सा फोड़ा। टीम इंडिया के आक्रामक ओपनर बल्लेबाज गब्बर यानी शिखर धवन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, राष्ट्र आपका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। इस कायराना हमले में इंडियन आर्मी के जो अधिकारी व जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं, हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व आक्रामक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी चीन द्वारा की गई इस शर्मनाक घटना पर अपना गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना सुधर जाए। साथ ही उन्होंने एक जवान शहीद की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कर्नल संतोष बाबू को हार्दिक संवेदनाएं, जिन्होंने सीमा पर बलिदान दिया है। इसके अलावा टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान विराट कोहली ने भी शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सलाम किया और इस संकट की घड़ी में परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच इन दिनों लद्दाख बॉर्डर को लेकर तनाव चलता नजर आ रहा है। हालांकि समझौते के तहत चीनी सेना को मौजूदा जगह से पीछे हटना था। ऐसे में जब इंडियन आर्मी उन्हें सूचित करने जा रही थी तो चीनी सेना ने एक शर्मनाक चाल चली और भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इसी दौरान इंडियन आर्मी के कमांडिंग अफसर समेत कुल 20 जवान शहीद हो गए। वहीं इस पूरी घटना पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, PM चुप क्यों हैं? वह इस मामले को क्यों छुपा रहे हैं? अब बहुत हो गया, हमें यह पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हमारी जमीन पर आने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।